नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं हूँ साथ रोहित। तो अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जो टीबी का इलाज होता है इतना लंबा क्यों होता है, 6 महीने का, और क्या इस इलाज को बहुत ही कम समय में नहीं किया जा सकता। तो इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक टाइम था, एक ज़माना था जब टीबी का इलाज नहीं हुआ करता था, और उस ज़माने में हम टीबी की तुलना एक बड़ी बीमारी से करते थे, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, किडनी फेलियर हो गया, ठीक है, इस टाइप की बड़ी बीमारी से हम इसकी तुलना करते थे, ठीक है। तो उस ज़माने में जिसको भी टीबी होता था उसकी मौत हो जाती थी, ठीक है, और इंसान मरने से पहले इस बीमारी को कई लोगों में दे के चला जाता था। जैसे कि आपको पता होगा, जो टीबी की बीमारी होती है ये फैलने वाली होती है, ठीक है। तो इससे ये होता था कि बीमारी एक जने से दूसरे बीमारी इंसान में जाती थी और इसकी एक चेन बन जाती थी, ठीक है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट, ठीक है, साइंटिस्ट ने इस पर, इसकी जो मेडिसिन है उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और हमने हमें फाइनली कामयाबी मिली। और आज की डेट पे हमारे पास ऐसी स्ट्रांग मेडिकेशंस हैं, ठीक है, दवाइयाँ हैं, जिसके चलते आप टीबी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ कि इसका इलाज लंबा होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको होते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और आपकी जो लाइफ है वो वापस पटरी पे आ जाती है, ठीक है। कुछ लोग का ये कहना है कि भाई इलाज बहुत ज़्यादा लंबा होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो कैसे क्या होगा। तो भाई उनसे मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप दोबारा स्वस्थ हो जा रहे हैं, आप पूरी तरह से ठीक हो जा रहे हैं, इससे बेटर आपको और क्या चाहिए, ठीक है। पहले इसका इलाज नहीं होता था, लोग धड़ाधड़ इससे मर जाते थे, और आज की डेट में आप जो हैं स्वस्थ हो जा रहे हैं इस बीमारी से। भले आपको थोड़ा सा इलाज थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, तो इससे बेटर बात और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर किसी इंसान को टीबी की बीमारी हो जाएगी, ठीक है, तो इलाज ना करा के मौत के मुंह में चले जाना ये ज़्यादा सही रहेगा, या उसका इलाज करा के पूरी तरह ठीक होना ये ज़्यादा बेटर रहेगा? तो आप यही कहेंगे कि इलाज करा के उस बीमारी से निजात पाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही चीज़ है, टीबी का इलाज थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पूरी तरह से करते हैं, इसका कंप्लीट इलाज आप करेंगे, तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आपको दोबारा जो है प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं रहेगी। जो टीबी का 6 महीने का कोर्स है, इस कोर्स को आप पूरा ज़रूर करिएगा। अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ देते तो एमडीआर टीबी हो सकती है, जहाँ पे आपको 2 साल तक दवाई खानी पड़ सकती, ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपका कोर्स आपको बताया जाता है इसे पूरा करिए। और जो लोग 2-2 साल तक एमडीआर के केसेस में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनको लगता है कि भाई 6 महीने का ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो लोग 6 महीने का ट्रीटमेंट करा है उनको भाई लगता है कि 6 महीने का ज़्यादा है, ठीक है। तो 6 महीने, एक टाइम ऐसा आएगा जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि जो है आपकी टीबी ठीक हो गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ को मत गिनिए, ठीक है, बस ये सुनिश्चित करिए कि जो आप टैबलेट आपको दी जा रही है उसे आप खाते रहें 6 महीने तक, जब तक आपका कोर्स जो है चलेगा, और उसी के बाद आप पूरी तरह से टीबी से ठीक हो जाएंगे। देखिए, दुनिया भर के जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे एक नए तरह की ड्रग्स की खोज की जाए जिससे टीबी की बीमारी है वो बहुत ही कम समय में ठीक की जा सके। तो फिलहाल अभी तो हमें इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि इस टाइप का ड्रग्स की खोज हो जाएगी जिससे टीबी की जो बीमारी बहुत ही कम समय में ठीक की जा सके। तो फिलहाल जो ड्रग्स हम लोग मौजूदा में यूज़ करते हैं जिससे टीबी ठीक की जाती है, उस पर रिसर्च पे पाया गया कि जो लोग पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि किसी इंसान को अगर 6 महीने का ट्रीटमेंट बताया गया, तो वो इंसान अगर 6 महीने का ट्रीटमेंट करता है तो उसकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है 101%, और दोबारा नहीं आती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है क्यों 6 महीने तक आपको दवा खाने को कहा जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो लोग बीच में ही दवा को कोर्स को छोड़ देते हैं, जैसे कि 3 महीने 4 महीने, उन लोगों में देखा गया है कि उनकी टीबी 50% केस में दोबारा आ जाती है, क्योंकि एक भी बैक्टीरिया अगर इसका जिंदा रह गया तो वो फिर से मल्टीप्लाई करने लगता है और आगे चल के उस इंसान को फिर से टीबी हो जाता है। और दोबारा अगर किसी इंसान को टीबी होती तो वो बैक्टीरिया और ताकत के साथ उस इंसान पे अटैक करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, एमडीआर टीबी हो जाती है, और यहाँ तक कि जो पहली दवा उसको दी गई थी वो भी जो है इस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो नया तरह का ड्रग्स जो है दिया जाता है लोगों को, मैंने देखा है कि 12-12 टैबलेट जो है एमडीआर के केस में 1 दिन में खानी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इस ट्रीटमेंट को 6 महीने तक आपको सलाह दी जाती है कि 6 महीने तक आप दवाई खाएं और आपको कोर्स पूरा करना चाहिए, तभी जो है आपकी टीबी पूरी तरह से ठीक होगी और दोबारा टीबी आने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और वैक्सीन भी होती है, शायद आपने नाम सुना होगा, उसका नाम होता है BCG, लेकिन इस वैक्सीन में उतनी सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने के बावजूद आजकल लोगों को टीबी हो रहा है। इस पर भी रिसर्च चली कि आने वाले समय
समय पे एक ऐसी वैक्सीन डेवलप कर दिया जा सके, ठीक है, जिसको लगाने के बाद शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज़ बने, ठीक है, ताकि फ्यूचर में, ठीक है, इस टाइप की जो बीमारी है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये इंसानों में ना आए, ठीक है। तो रिसर्च चल रही है फिलहाल, जब तक इस टाइप की वैक्सीन नहीं बनती है तो हम लोग को यही दुआ करें कि बीमारी ना हो, और अगर किसी को होती है तो वो अपना कोर्स पूरा करे, कोर्स पूरा करेगा तो ही उसकी टीबी 101% ठीक होगी और एमडीआर जैसी घातक टाइप की टीबी होने के चांसेस कम रहेंगे। तो फाइनली मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि ट्रीटमेंट 6 महीने तक क्यों होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर बोलिएगा।